अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जो है मैं ओपन रूफ वाली गाड़ी जो है, अब ये मतलब वो है कन्वर्टेबल है, मतलब अभी ये अगर क्लोज है तो इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, तो ये कन्वर्टेबल कार है। तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ बैठा तो हूँ मैं उमर भाई के साथ, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, और आज दोबारा फिर उमर भाई के साथ, लेकिन आज मैं खुद ड्राइव करूँगा बिकॉज पहले मेरे पास लाइसेंस नहीं था और अब मेरे पास लाइसेंस है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये खुशी देखें आप। आए गोलू भाई, फिर ड्राइव करें। अच्छा गाड़ी आ रही पीछे से, तो ये है टोयोटा की स्वारा और लेक्सस में भी आती है। ये है एससी करते हैं। मॉडल है तकरीबन 10-15 साल पुराना, इतनी नई गाड़ी नहीं है, लेकिन अभी भी ये लग्जरी में आती है और इसकी जो कंडीशन इतनी अच्छी, अगर इसकी कंडीशन हो तो इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर चली जाती है। प्राइस बताएं इसकी, जापान प्राइस पाकिस्तान तो नहीं जाएगी। नहीं, अगर तो ये अभी ये जो गाड़ी है ये ज़्यादा चली हुई है, इसके मीटर काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है, तो इसलिए तकरीबन ये है 70 मान की। हाँ, लेकिन अगर ये कम चली हुई हो यही 200-300 मान तक आती है। अच्छा। हाँ, यही गाड़ी इसी कंडीशन में अगर कम चली हुई हो तो वो 200-300 मान तक चली जाती है। तो अभी तक यानी इस गाड़ी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो करते हैं हम ओपन। तो अभी हम इसको करेंगे ओपन। तो ये जी दुबई रखें इसे, अभी हो रही है ओपन। तो जी ये हो कन्वर्टेबल है, तो अभी हो गई है ओपन कार। चलिए फिर, लेट्स गो उमर भाई ड्राइव पे। तो अभी हम ड्राइव पे जाएंगे, आपको जापान जो है ओपन कार में जो है आपको जापान घुमाएंगे। ठीक है, चलें चलें। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ड्राइविंग इस तरह का है जिस तरह वो भी क्या नाम है ड्राइवर ड्राइविंग स्कूल में नहीं होता, जिस तरह का स्टार्ट लेते हैं आप? हाँ। उस तरह का स्टार्ट लिया आपने, बिल्कुल। ओए होए होए, इतने स्मूथ गोलू भाई, स्पोर्ट्स कार है यार। ओए होए होए, बेल्ट लगाया ना आपने? हाँ, शीशे नीचे कर ले वैसे दोनों साइड के। वाह, वैसे गाड़ी की चलाने का ही अपना मजा है। हाँ, है ना। और दूसरा ये है कि अगर इस तरह की हवा आ रही हो, बंदे का चलना तेज चला है ना। हाँ, लेकिन लेकिन अपने रूल फॉलो करना है। कैसी फीलिंग है गोलू भाई, फर्स्ट टाइम? मज़े की फीलिंग है, बहुत ओपन कार फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ ड्राइव कर रहे हैं आप। ड्राइव कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, तो चार लोग आ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, लेकिन अभी तक सिर्फ दो लोग हैं। दोनों एक कौन था एक जो गायब हो गए, एक हमारे दोस्त होता था होता था, लेकिन उसकी फिर शादी होगी। कोई दोस्त था उसकी शादी होगी। हाँ, शादी के बाद जो है रीजन सेम है, ये बंदे गंदे के गायब होने का रीजन सेम है। तो बंदा जो है अभी वो गायब है। हाँ, तो हमें लिफ्ट नहीं करा रहा बंदा आजकल, तो अब हम हैं और हमारे, तो इसलिए एक सीट खाली है, एक खाली है सीट बिल्कुल। तो बड़ी प्यारी हवा है, आज मौसम देखिए दिसंबर है, मौसम में ऐसा लगता है कि जैसे वैसे ठंड होती है। हाँ, और आज मौसम भी बिल्कुल सही, ऐसा लगता है जैसे इस मकसद के लिए मौसम आज का बना हो, बिल्कुल, कि मैं ये गाड़ी निकाल सकूं बगैर रूफ वाली ना, ऐसे ही है बस, बिल्कुल भाई, बस ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह। और सबसे मजे की चीज के आपको पता है कि नगोया में लाइसेंस जो है पार्किंग कितनी महंगी है, बहुत। तो वो अगर मैं जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जो यहाँ पे जापान में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको मैं बता चलूँ कि यहाँ पे पार्किंग के जो पैसे होते हैं वो आप पर मंथ देते हो तकरीबन, यूँ समझो कि पाकिस्तानी अगर रुपयों में मैं आपको बताऊँ
गाड़ी पार्क करने के, तो वो तकरीबन होते 18,000। और जब वो आप बुक करते हो तो आप 3 महीने की एडवांस में आप पे करते हो उनको। अच्छा। 3 महीने का एडवांस में जिस दे देते हो वो आप बस चला जाता है मेंटेनेंस के उसमें ना खाते में, तो वापस नहीं मिलता आपको। तो इतना महंगा है। लेकिन मेरे घर के बिल्कुल साइड में एक टेम्पल है, एक मजहब है थेनरिकियो के नाम से जापान में। मैंने उनको बोला कि मुझे जो है ना आप पार्किंग अपने हाथ दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम पहले सोचेंगे, और फिर उन्होंने कहा कि अपनी टीम से बात करेंगे। सही। और उन्होंने बात की, और उसके बाद जो है वो 5,000 में शुक्र अल्लाह का मान गए। अदरवाइज जो है मैं नगोया इतना एक्सपेंसिव है, मैं कहाँ से 18,000 पर मंथ पे करता। तो मेरे लाइफ में इस तरह लक बाय चांस चीज़ें होती रहती हैं। नियत इंसान की साफ हो, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। बिल्कुल बिल्कुल उमर भाई, दिल जीत लिया आपने, आप जो अच्छी बात करते हैं। और नाजरीन, इस वक्त हम ओपन कार में घूम रहे हैं जापान के जो है ये यातोमी एरिया है, ऐसा ना उमर भाई? यातोमी है, यातोमी इस जगह का, इस एरिया का नाम है। तो ये बिल्कुल मेन सिटी सेंटर से तो थोड़ा साइड में है, लेकिन ये है कि बहुत ही मज़े की पुरसकून सी जगह है। ये थोड़ा गाँव का एरिया है, गाँव का एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने कोई वो खास आपको घर वगैरह कोई खास नज़र नहीं आएंगे, थोड़ी थोड़ी बहुत इमारतें हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको जापान भी दिखाता हूँ, ये देखें। तो बाहर करूँगा तो काफ़ी शायद हवा की आवाज़ आए, तो शोर थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो ये है जापान के आम गांव, इस तरह के गांव होते हैं जापान के, सिटी एरिया तो आपने काफ़ी देखा होगा। ये है जापान के गाँव। तो बहुत ही प्यारा मौसम है आज, इतना प्यारा, और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। उमर भाई, हाँ जी, मेरी वीडियोस पे लोगों के मोस्टली ये कमेंट होते हैं कि भाई तुम लोग जब भी निकलते हो बंदे ही नहीं होते रोडों पे, उसका क्या सीन है? मैं समझ नहीं आ रहा उनको, मैं क्या आंसर करूँ? बात उनकी सही है, उस बात सही मैं है। तो मजाक में बोलता हूँ, मैंने कहा मैं वो अपनी मतलब रिकॉर्डिंग करता हूँ, लोगों को कहता हूँ तुम लोग हट जाओ, अभी जो है कैमरा शूटिंग हो रही है। हाँ, नहीं, असल में अलाउ ये है कि असल में बात ये ना कि जापान में अलाउ नहीं है कि आप किसी का फेस इस तरह लेके और यूट्यूब के ऊपर डालें। तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि लोग इस वीडियो में ज्यादातर ना आए, और कोई आए भी तो परमिशन के साथ आए, तो कोई बंदा नजर नहीं आता। वैसे भी कोई वैसे क्या सीन है भाई? नहीं, हम लोग ऐसे एरियाज में, क्योंकि हम लोग अभी कोरोना भी था ना गोलो भाई, कोरोना की वजह से हम लोग अवॉइड करते ना रश को। अब नगोया मेन सिटी वगैरह में जहाँ पे रश हो हम लोग उस टाइम पे नहीं जाते। ये भी है, मेरी भी वीडियो के इतने कोई खास लोग नहीं होते। सही। उसका रीजन ये कि हम लोग अवॉइड करते हैं, अभी रश में इतना निकलना अच्छा नहीं है। और अभी तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कोरोना के केसेस जापान में तकरीबन दिन में 50 से भी कम हो रहे हैं अभी। अच्छा। पूरे जापान में। अच्छा। एक दिन में 50 से भी कम, यानी ना होने के बराबर, बहुत कम हो गए। यहाँ से ऊपर ही ले जाएं, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जा रहे हैं वो लोग। यहाँ से यू टर्न लेते, फिर यहाँ से बड़ा अच्छा नज़ारा आएगा। नजर यहाँ से ऊपर से ना, ऊपर से हाँ, इसके ऊपर आपने चढ़ जाना है इसके बाद। तो ये भी हम आपको यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के नज़ारे दिखाएंगे। ये आमतौर पे वैसे सकुरा के दरख्त हैं जो आपको नजर आ रहे हैं पीछे भी। सकुरा क्या होता है? ये सारे सकुरा चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम जो कि अप्रैल में खिलते हैं जापान में। बहुत ही खूबसूरत और फेमस फूल है। जब ये खिलता है तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो जो हफ्ता और 10 दिन होता है वो इतना खूबसूरत होता है ना यहाँ का, कि लोग स्पेशल उसे देखने के लिए वैसे जापान में आया करते थे। अभी कोरोना की वजह से लोग नहीं आ सक रहे, तो वो सीज़न बहुत ही खूबसूरत होता है। और जापान में एक एक दरख्त को बड़े प्यार से इन्होंने मेंटेन रखा होता है। तो वो है चेरी ब्लॉसम का जो मौसम है, बहुत ही खूबसूरत होता है जापान में। और ये आप इस तरफ पानी के नज़ारे देख सकते हैं। तो ये है इंसानियत, कि अगर आप कोई सामने से गुजर रहे तो आप पहले खुद रुक लें, उसको जाने दें, फिर उसके बाद आप खुद जाएं। और ये जो है हमारी ट्रेनिंग का ये पार्ट था, ट्रेनिंग का पार्ट था। बिल्कुल, स्कूल में ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है। आई थी ना ये गाड़ी, आई थी ना उसमें वीडियो में, वीडियो हम रुके उसके लिए। हाँ, अच्छा है ना। तो ये मतलब हमें सिखाया गया था ड्यूरिंग स्कूल में भी, कि अगर आपके सामने से गाड़ी आ रही तो ये मत सोचो कि वो रुकेगा, तुम्हें ही रुकना है। तो मतलब क्योंकि अगर पहले से ये सोचा जाए कि हमने ही रुकना है,
हर बंदे के जहन में ये होगा कि हमने ही रुकना है, तो वो ही रुकेगा। अगर ये होगा कि हमने नहीं रुकना तो फिर तो कोई भी नहीं रुकेगा, फिर तो टक्कर ही होगी। तो ये फ़र्क होता है मेरे ख्याल से कि आपके जहन के होना चाहिए, इन चीज़ों की तालीम होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमने रुकना है। तो वो लग रहा था कुछ ना कुछ रोग। दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। जब गाड़ी करीब आती है मेरी खुद जो ना थी गोलू भाई हमारी ओपन कार की राइड, ओपन कार की राइड। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपने पसंद की होगी। ये है गोलू भाई, ओके फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कोई रहता है इसके अंदर कोई पार्ट वीडियो के अंदर? बस यही था, ओपन राइड आपने देख ली, जापान भी दिखा लिया, इतना खूबसूरत देखे नज़ारा, ये कहाँ पर मिलेगी देखें। सामने ब्रिज दिखाए ना बाबा, सखर वाली पुल है तहां जे सामो ये देख रहे हैं आप, सखर वाली पुल आपके सामने आई हुई है। जेको खटी आयो खैर सा हो जमालो।